गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं बीइंग अ ट्रैवलर। और इस वक्त चल रही है मेरे चैनल के ऊपर श्रीलंका सीरीज़। ऑल दो पाकिस्तान में इस वक्त रमज़ान स्टार्ट हो गया होगा और तब ये मेरी वीडियो रिलीज़ हो रही होगी, इसलिए जो भी मैं आज की और अगले एपिसोड में ज़रा खाऊँ पीऊँ तो समझ आइएगा कि अभी रोज़े स्टार्ट इधर नहीं हुए हुए, क्योंकि आज है आई गेस 9 मार्च, तो ये एपिसोड जाएंगी थोड़ी सी अप्रैल के अंदर जब रमज़ान चल रहा होगा पाकिस्तान में। एनीवेज, तो इस वक्त हैं हम लोग कैंडी के अंदर, कैंडी का मेरा हॉस्टल है। सुबह सुबह का मैं उठ के 5 बजे का एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ जो पिछले एपिसोड्स थे, और कैंडी से हम लोगों ने आज चेकआउट करना है और जाना है बहुत ही ज़बरदस्त, मेरा जो फेवरेट सिटी है वो है नोएडा एलिया। यहाँ पर जाके मैं सुकून से 2 या 3 नाइट्स रहूँगा, आराम से आपको दिखाऊँगा कुछ वाटरफॉल्स, टी गार्डन्स वगैरह। तो इसका सफ़र भी बहुत ज़बरदस्त है, दरमियान में एक दो मोन्यूमेंट्स भी आएंगे बड़े ज़बरदस्त से। तो जल्दी से मैं अब अपनी पैकिंग शैकिंग करता हूँ और फिर निकलते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए एंड देन टुवर्ड्स नोएडा एलिया। आते हैं जल्दी से। ओके जी, निकल पड़े हैं हम अपने कैंडी हॉस्टल से। इट वॉज़ नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और जो ऑनर था ना उसको भी पता चल गया था कि हम लोग बड़ा बैड रिव्यू देने वाले हैं, और वो खुद ही आया रात को, सॉरी किया उसने। और हमारा ना वैसे ये बनता था कोई 1600 श्रीलंकन रुपीस का, तो उसका राउटर भी नहीं चल रहा था वाईफाई का, तो कहता जी मैं आपसे सॉरी करता हूँ इसलिए फिर मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, आप मुझे 400 रुपया कम दे दें। तो 1200 रुपया लिया सिर्फ उसने श्रीलंकन रुपीज़, जो कि पाकिस्तानी बनता है 1000 रुपया, वो भी हम दोनों में डिवाइड हो गया, तो 500 रुपये पर नाइट, इससे अच्छा और क्या मिल सकता है। बहुत सस्ता है श्रीलंका, ये फ़ायदा है, लेकिन सस्ता उसी सूरत में जब आप इस तरह के जगहों पे रहें, होटलों में, अच्छे अच्छे होटलों में रहेंगे तो फिर महंगा बहुत है। हम तो हॉस्टलों में रहते हैं भाई। देखो यार, यहाँ पर गाड़ियाँ सुकून से चलती जाती हैं, ट्रैफिक है भी, लेकिन लोगों के अंदर एटिकेट्स इतने ज़्यादा हैं, लिटरली लगता है कि बंदा ना यूरोप में आ गया। ये देखें फुटपाथ पे लोग मुसलसल चल रहे हैं, पार्किंग सारी उस लाइन से अंदर है, कोई आपको बाहर नहीं नज़र आएगी कोई। इधर देखिए अमित भाई छाबड़ी वाला बाहर, उसने फुटपाथ क्या मारे, तो सड़क पे आए होते हैं। और यहाँ देखें, और स्पेशली ये देखें, ये पैदल जा रहे हैं ना, देखें रिक्शे वाला रुक गया जैसे फुटपाथ आएगा, और यही आपको दुबई में देखने को मिलता है, यही आपको बाहर कंट्रीज़ में देखने को मिलता है कि कैसे सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं पैदल चलने वालों की। ये आ गई है वही कैंडी लेक जो आपने पिछले व्लॉग में देखी थी, हमारे लेफ्ट साइड पे है, और इसकी जो आर्चेज आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली वही लेक की आर्चेज है। तो हम जा रहे हैं सेंट्रल म्यूनसिपल सेंट्रल मार्केट। ओके जी, ये बस स्टॉप है, टर्मिनल क्लॉक टावर बस टर्मिनल, अगर आप बस पे आएंगे तो आप यहाँ पे उतरेंगे, और यही इनका मेन खाने पीने का हब भी है। ये बस मिल्क बार है, ये ऐसी रेसर माया होटल, इधर मिल जाएगा कुछ है ना, इधर ही चलते हैं। तो जी ये बेकरी ना मई होटल है, हमने छोटी छोटी बेकरी आइटम्स कर ली हैं। ये है पराठे के अंदर कोई चिकन, चिकन है इसमें, फिश और चिकन मिक्स है, पोटैटो, और ये वेजिटेबल है, और इसमें एग और पोटैटो, और ये खाली पान है, और बटर हमारे पास पड़ा हुआ था तो हमने कहा मिक्स करके हम खाते हैं। ये बुफे खाएंगे इस वक्त मैं और अमित भाई, ठीक है जी। अमित भाई कैसा लग रहा है आपको? हम असल में ना एक्चुअल में तो ब्रेकफास्ट करने आए थे लेकिन लेट हो गए, तो हाँ राइस मिल रहे थे, तो राइस का भी मूड बना नहीं था, ब्रेकफास्ट का मूड था मेरा थोड़ा सा, लेकिन ठीक है अभी थोड़ी थाली भर के रखे, सब लोग यही खा रहे हैं, सब यही खा रहे हैं, तो बाकी चलेंगे रास्ते में खाएंगे कुछ। प्याज, प्याज पता कर रहा है जब हांडी से पहले पुलाव के लिए ब्राउन करते हैं ना प्याज, वो वाला प्याज है। लो जी, हम ना एक तरह का ब्रंच करके निकल पड़े हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम गुजर चुका था और लंच का आने वाला था, दरमियान में हमने बेकरी आइटम खा के जो है ना अपना पेट पूजा किया है, और कैंडी से हम निकल रहे हैं। चेक करें यार क्या खूबसूरत लग रहा है सामने, ओहो हो हंजा में नहीं जैसे वो स्कर्दू में पिंक कलर के फूल कैसे सड़कों पर गिर रहे हैं, ये नीचे देखें, वाह बहुत ट्रैफिक ब्लॉक थी यार पूरे कैंडी में, ये देखें अभी पूरी राइट साइड भी पूरी ब्लॉक हुई हुई है। तो हम फाइनली निकले हैं अब कैंडी से, 12 बज गए हैं,
15 मिनट में हमने खाना खाया था, लेकिन बाकी सारा हमारा टाइम ट्रैफिक में गुजरा। बड़ा एक मज़े का एक टावर है अंबाला बाबा टावर, वहाँ जा रहा हूँ मैं आपको लेके इस वक्त। डेट क्या जी, आज 9 मार्च है, 9 मार्च 2022। नाश्ते के बाद आपको पता है हम कुछ पीते नहीं हैं, वैसे तो मैं पी लेता होता हूँ, लेकिन अमित भाई ने जो है ना मेरा लिक्विड पीना मना करा दिया है, और हम लोग आधे पौने घंटे बाद फिर पीते हैं नारियल पानी। तो अब हम पहाड़ों में आ गए, इधर मुश्किल से ही नज़र आ रहा है हमें नारियल पानी, देखते हैं कितना आगे जाना पड़ता है। मीठा ये मीठा है भाइयो, नारियल पानी पीने हैं तो श्रीलंका ही आना है। लो भाई, आज के ब्लॉग की जो हाईलाइट है ना वो है अंबोलू बाबा टावर, और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, वो सामने पहाड़ जो नज़र आ रहा है उसके टॉप पे वो नज़र आ रहा है हमें, काफ़ी ऊपर जाना है, और पहाड़ की भी नोक के ऊपर सबसे जो टॉप पॉइंट है वहाँ पे वो टावर बना हुआ है, और वो हम देखने जा रहे हैं। ये आ गया है अंबोला शहर, और उस पहाड़ के टॉप पे जाना है, और उसके टॉप पे भी जो टावर नज़र आ रहा है ना उसके भी आखिरी नोक के ऊपर चढ़ना है हमने। ओए होए होए होए, डेयरिंग एडवेंचर है वैसे, ये देखने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन आखिरी 5-6 टर्न सुना है बड़े ख़तरनाक है इसके, बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में पढ़ के नहीं आया वैसे कि ये बनाया क्यों था, हमने सीधा ही जाना ना। ओए ओए, गूगल मैप पे चेक करना ज़रा कैसे कैसे कट्स बने हुए हैं, अच्छे खासे मोर हैं भाई, बड़ी एडवेंचरस रोड आ रही है आगे, चढ़ाइयाँ मज़ेदार हैं भाई, बस हल्की सी अगर बदली आ जाए तो हमें ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बड़े शार्प टर्न है, एक ही पहाड़ को काट के, जैसे हमारे बाबू सर की आती है ना चढ़ाइयाँ, बाबू सर टॉप पे जाते हुए और नीचे उतरते हुए। तो जी गेट आ गया, और टावर की भी टिकट है, देखा ये कमाते हैं पैसे, लाएं जी अमित भाई टिकट लेकर आए हैं आप, 90 रुपीज़ का टिकट है यार लोकल्स का, अच्छा भला 90 रुपीज़ का टिकट मिल रहा था, हमने ऐवी आपस में कुछ बातचीत किया, उनको पता चल गया। हाँ, मैंने अमित भाई को सच आवाज़ दी, अमित भाई सार कंट्रीज बता देना डिस्काउंट लेने के लिए, अगले को पता चल गया ओए ये तो श्रीलंका नहीं है, 90 की नहीं देनी इनको, महंगी वाली देनी है। तो 90 की जगह हमें 600 रुपये का एंट्री टिकट मिला है, 2.25 किलोमीटर है, अब ये फुल हाइट है, चढ़ाई है अच्छी खासी, जान लग रही है बाइक को लगाने में। गए भाई, पहुंच गए, ऑलमोस्ट डन भाई, स्कूटर की हो गई है बस ओए होए होए, अच्छी खासी चढ़ाई है अभी बहुत, वैसे अकेला एक बंदा हो स्कूटर पे तो फिर चढ़ ही जाएगा, हमने सामान इतना ठोसा हुआ है और वजन भी है हमारा। ये है जनाब टावर, पहले मैं आगे दिखाऊं, आप इधर उतरें, वो है जी टावर, ओ ऊपर तो ट्रैफिक ब्लॉक है ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक भी हुई है वहां पर। हाँ ओके जी, ये चेक करें, ये है टावर, नीचे से तो बहुत बड़ी बेस है इसकी, तो बेसिकली नीचे इसके टेंपल है, टेंपल देखते हैं, इनसे पूछ भी लेते हैं।
सो बेसिकली 1981 के अंदर इन्होंने ये जगह को बनाया, हिल स्टेशन था, लोगों को विज़िट करने के लिए बेसिकली एक व्यू पॉइंट बनाया। लेकिन उन्होंने किया यहाँ पे ये कि जितने भी रिलीजन हैं श्रीलंका के अंदर, बुद्धिस्ट नंबर वन, फिर हिंदूज, फिर मुस्लिम्स और फिर क्रिश्चियंस, सबके लिए उन्होंने एक रिलीजियस एक्टिविटी के लिए उनकी इबादत गाहें बनाई यहाँ पे, ताकि जो भी यहाँ पे आएँ वो अपनी अपनी इबादत भी कर सकें। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये सबसे पहले नंबर पे है मस्जिद, सेकंड नंबर पे है साथ ही बिल्कुल मंदिर, और ये है क्रिश्चियन के लिए चर्च, और वो है बुद्धिस्ट के लिए, बुद्धिस्ट की इबादत करने की जगह। तो एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये एक छोटा सा हाथी भी इन्होंने बनाया हुआ, छोटा तो नहीं खैर बहुत बड़ा ही है। ऑलराइट, चलें जी। तो ये वो जगह जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट सब एक जगह पे इबादत करते हैं विद इन वन गार्डन। और अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, जो इस बेल टावर के नीचे जगह है वो ये है। लोग आ गए हैं अब अंदर, और यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं सीढ़ियाँ। वैसे हमने किसी से पूछा नहीं है कि टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं, पहले हाफ हिस्सा तो इंडोर है। शुरू में अंधेरा है, मुझे तो लगता है कि होगी 200-300 सीढ़ी से ज़्यादा ही होगी, है ना, शायद ज़्यादा ही होगी, बल्कि 200-300 तो बहुत कम है। पहले सर्कल बड़ा बड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने तो छोटा ही जा रहा है। लो जी बाहर आ गए हम, ये आ गया गेट। ओके लो जी, ये है पहला व्यू फायर का। मैंने आपको पहले वो व्यू दिखाना था, लेकिन ये जगह ज़्यादा अच्छी है, ड्रोन से देखने का अपना मज़ा। अच्छा, एक छोटा सा ये भी बनाया है इन्होंने, इस पर भी चढ़ सकते हैं। ये बाहर से है सारा, और इधर से आपको गंपोला शहर की नज़र आ रहा है। ये गंपोला है, और पीछे कैंडी था, और कैंडी के साथ ही आगे जहाँ हमने जाना है वो नोएडा एरिया आएगा। जी हमें दुआई चले जी, कमाल, वो नीचे वाले व्यू से तो ये वाला व्यू अच्छा है। और ओके जी, आप आ गए हैं बाहर और जाने लगे हैं हम ऊपर। तो तेरी खैर हो गए, वाह। हाँ जी, कहाँ तक पहुँच गए? हाँ तो बाहर तक का तो सीन है असल में। अंदर अंदर से भी जा रही हैं सीढ़ियाँ, और बाहर उतर रही हुई, चेक करें, इसे तंग होती जा रही हैं। ओहो ब्यूटी यार। अच्छा, वो कह रहे हैं किस्मत होती है, अगर बादल हो तो कुछ भी नहीं नज़र आता, और अभी धूप है इसलिए आपको ज़रा अच्छे नज़ारे नज़र आ रहे हैं। ये सीन है भाई।
ऊपर जाते जाते रश होता जा रहा है, छोटी भी होती जा रही है, तंग भी होती जा रही है। देखेंगे आपको। तो टाइट हो गया। ओह नो, वेरी डिफिकल्ट विद द बैग। भाई बैग पहना हुआ है, आगे तो रास्ता बिल्कुल खत्म हो गया। आप कैसे बात करें भाई, तो रास्ता हो गया बंद। हाँ जी, जा रहे हैं हम वापस नीचे। यार ये इन्होंने कमाल की जगह बनाई है, अनसेफ नहीं, बस कोई एक दो जगह आती हैं जैसा कि ये आ गई है। ये थोड़ा सा ऐसे करके जाना पड़ता है, यहाँ से सीन टाइट है, यहाँ से आप आ जाते। यहाँ हमने अपना बैग रखा था, वेट वेट वेट, यहाँ से अपना बैग पकड़ते हैं। ऑलमोस्ट देयर, पहुंच गए नीचे। नीचे नहीं मतलब उसका जो बेल वाला एरिया, मोटा वाला, वहां पहुंच गए। ओके जी, हम नौरा एलिया एंटर हो चुके हैं और मज़ेदार सड़कें जो हैं वो चाय के पहाड़ों में से होते हुए हमें लेके जा रही हैं हमारे हॉस्टल की तरफ। आलमोस्ट आई थिंक 5 किलोमीटर रह गया और भूख हमें शदीद लग रही है। तो प्लान यही है कि यार पहले हम नौरा एलिया का पहुंच के जो बाज़ार आता है वहाँ पर कुछ खा भी लें, कोई एक प्लेट छोटी मोटी अगर कोतू मिल गया कोतू खा लेंगे, हलाल फूड में देख लेंगे जो भी मिल गया और खा के फिर जाएंगे हॉस्टल। लेकिन सर्दी बहुत शदीद हो चुकी है इस वक्त, हाथ मेरे फुल कांप रहे हैं। पीछे कैंडी में इतनी जो है वो गर्मी थी, लेकिन जैसे ही नौरा एलिया एंटर हुआ मैंने सब कुछ चढ़ा लिया, जो जो शर्टें जितनी ऊपर पड़ी थी मैंने 3-4 शर्टें पहन ली हैं, लेकिन जो है ना वो अभी भी शदीद सर्दी लग रही है। जी फुल सर्दी में राइड करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली नौरा एलिया के बाज़ार में। बहुत यक ठंड हो गई थी, मैंने पहले एक शर्ट निकाली है फिर दूसरी शर्ट निकाली और उसके ऊपर चला दिया, अभी भी शदीद सर्दी लग रही है। और पीछे हमारे इस वक्त जो है वो बारबेक्यू रेडी हो रहा है। ये हैं हमारे अकरम भाई। अकरम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और अकरम भाई आप इधर नौरा एलिया में रहते हैं? अच्छा। तो अकरम भाई जो हैं ये इधर हलाल चिकन लगा रहे हैं नौरा एलिया के बाज़ार में, गर्मा गर्म ऑर्डर कर दिया कोतू। कोतू के साथ हमने अकरम भाई को कहा कि ये ज़रा ये वाला चिकन जो है वो कोतू के अंदर डालें और बारबेक्यू फ्लेवर के साथ हमें कोतू खिलाएँ। पहले ये खा लें फिर जाएँगे हॉस्टल, सर्दी शदीद है यहाँ पर, क्या करेंगे हम 2 दिन। और अभी कोतू आता है तो आपको वो भी दिखाते हैं। ये रोटी की बना बनाया कोतू आता है, पहले हमने पिछले एपिसोड में दिखाया था ना वो मशीन से बना रहे थे, ये बना बनाया कोतू आता है। ये हो रहा है तैयार हमारा कोतू। ब्रेड है इसने, पहले इसमें अंडा डाला है, फ्राई किया है, वो कचूमर किया है, फिर इसने चिकन डाला है, शोरबा डाला है, वो पीछे शोरबा बराबर। अब इसने सब्ज़ी के कोई पत्ते डाले हैं, हरी प्याज है वैसे। लो अमित भाई आ गया कोतू, क्या क्या दिया इन्होंने इसमें, इसने प्याज भी डाला है, ऊपर ये चिकन डाला है बारबेक्यू वाला,
और साथ अंदर वो सालन वाला चिकन भी है और ब्रेड भी है। चलो जी हम लोग खाना खाते हैं, खाना के बाद हम चलेंगे हॉस्टल। ब्लॉग हो गया आज का ख़त्म। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, सारा रास्ता भी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।